हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। हर साल की अपेक्षा जो नवरात्रि के टाइम पे कान फाड़ देने वाली आवाज़ें बहुत सुनाई दिया करती थी, लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी। किसी घर में कोई बीमार है या किसी के यहाँ कोई काम है तो आवाज़ की वजह से कुछ काम नहीं हो पाता था। इसमें काफ़ी साल रोक लगाई गई है, ध्वनि प्रदूषण में बहुत कमी आई है। और वहीं ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ जो मूर्ति विसर्जन की जाती थी नदियों में, वो उस पर भी रोक लगाकर अब एक गड्ढे खुदवा करके गड्ढों में मूर्ति विसर्जन की जाएगी। इससे जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित रहेगा। ये बहुत ही सराहनीय काम है जो हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। ये एक अच्छी पहल है हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए। तो इस बार जो बहुत सारे बदलाव किए गए हैं मूर्ति विसर्जन को लेकर, वो चाहे कि मूर्तियां और कम करी गई हैं, उनकी संख्याएं कम करी गई हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, अच्छी चीज़ है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो छोटी छोटी दूरी पे मूर्तियां बैठा देते हैं, अगर वो सब लोग मिलके एक मूर्ति बैठाएँ तो शायद सजावट भी अच्छा हो, त्यौहार भी अच्छे ढंग से मनाया जाए। और कंपटीशन के चक्कर पे बहुत सारा पैसा अपव्यय किया जाता था, बहुत सारा ध्वनि प्रदूषण भी होता था। अगला मूर्ति पंडाल 3 हरण लगाए हैं, 4 साउंड लगाए हैं, तो उसके आगे वाला 10 हरण और 10 साउंड लगाने की कोशिश करता था। इससे कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण की भी दिक्कत आती थी और निश्चित रूप से अगर वो उत्साह नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा आपने सजा लिया, उन्होंने भी मूर्ति बैठा दी और वो सब मिल के एक जगह मूर्ति बैठती तो उसका लुक अच्छा होता, लोगों को दर्शनार्थियों को उसका ज़्यादा लाभ मिलता। जिस तरह पहले विसर्जन किया जाता था दशहरे में मूर्तियों का, तो उससे जल प्रदूषण में किस तरह का फ़र्क होता था? देखिए, सरकार जो योजनाएं लाती हैं वो निश्चित रूप से जनहित में होती हैं, लेकिन उनकी जो यहाँ नुमाइंदे होते हैं वो लोग उसको पलीता लगाते रहते हैं। निश्चित रूप से मूर्ति नदी में नहीं जाती हैं तो प्रदूषण कम हुआ है। पिछले 4 सालों से ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्यक्रम चल रहा है। मूर्तियाँ वहाँ पर नदी किनारे गड्ढा नगर पालिका द्वारा करा दिया जाता है, उसमें नदी की जल धारा को ले आया जाता है, उसी जल में जो है मूर्तियाँ प्रवाहित होती हैं। कुछ गांवों की मूर्तियाँ आती थी जो तालाबों में कर दिया, तो इस तरह से भीड़ भी कम हो जाती थी और मूर्तियाँ अच्छे से विसर्जित हो जाती थी और जल प्रदूषण मूर्ति के द्वारा जो होता था वो निश्चित रूप से कम होता था। लेकिन अभी हम लोग को देखने को मिला कि अभी मंदाकिनी में बाढ़ आई, टनों मिट्टी बाहर निकाली गई, अब माता ने स्वयं प्रकृति ने स्वयं बाहर कर दिया, उसको जो गंदगी थी उसको बाहर कर दिया। लेकिन यहाँ की सरकार के जो लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, वो अपनी काम चोरी करने के चक्कर में उस मिट्टी को फड़वे फड़वे फिर उसी नदी में डाल रहे हैं, जबकि ये मौका था उनके पास, चाहते तो ट्राली ट्राली मिट्टी को अनंत कहीं दूसरी जगह में डाला जा सकता था। इस बार अच्छा लगा है कि ज़्यादा शोरगुल डीजे ये सब नहीं था और शांत माहौल था, सब लोग जाते थे आते थे दर्शन करके, तो इस बार कुछ अच्छा लगा। पिछले साल और बार ऐसा होता था ना कि जब जाते थे तो शोरगुल, इस वजह से कभी कभी सिर पे दर्द कुछ भी होता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं। और जो पहले मूर्ति विसर्जन होता था उसमें ना प्रदूषण फैलता था, बहुत ठीक से साफ सफाई नहीं होती थी, अब है तो गड्ढे करते हैं। तो क्या स्वास्थ्य में भी कोई असर पड़ता है उससे? हाँ, स्वास्थ्य में ये है कि अब सफाई रहती है तो स्वास्थ्य में कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन पहले ऐसा होता था ना कि जो लोग किनारे में रहते हैं या सब कुछ प्रदूषण के कारण दिक्कत होती थी, जाते हैं कि कहीं वायरस डीजे बंद होने के कारण कम शोर शराबा हुआ है, आदमी शराब ज़्यादा पीता है, इसलिए सरकार ने ये किया कि सही हुआ है, मतलब बढ़िया सरकार कर रही है इस समय, ये बहुत ही अच्छा काम किया है। हर साल की तरह ये होता है, अपने ये केन नदी में जो तालाब भरा जाता है पानी अलग से, कुछ दिन से शुरू हो जाता है पानी भरना, इससे बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है, गंदगी नहीं फैलती है, हमारे स्वच्छ रहता है हमारा। कि अभी हाईकोर्ट का आदेश था कि जो लाउड स्पीकर है वो बंद किए जाएंगे बिल्कुल तरीके से, तो बस इसी वजह से फिर थोड़ा सा प्रशासन भी टाइट है और हमें भी लगता है कि इतना ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले तो हम 6-7-8 जितना मर्जी आता था उतना साउंड बजाते थे, हाई लेवल की मशीनें लगाते थे, लेकिन आज 1-2 काफ़ी है और वो भी उसमें भी वैल्यूम थोड़ा सा डाउन होती है।
तो वो भी बहुत लोग खुश है क्योंकि पहले थोड़ा शोर शराबा बहुत होता था, उनका डिस्टर्बेंस होता था, बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं उनका भी डिस्टर्ब होता था, तो अब सभी लोग खुश हैं यहाँ पर। जो उनके ऊपर है जो हम लोगों को टाइम मिल गया है कि टाइमिंग के हिसाब से हम चल रहे हैं, उसमें ध्वनि भी हम लोग धीमी कर रहे हैं जो अपने रामलीला के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जाती। और दूसरा, शहर के जितने देवियों के मंदिर बने हैं वो भी अपना कंट्रोल से ही बजा रहे हैं और कोई प्रदूषण या कोई ऐसा ध्वनि का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। कितने बजे से कितने बजे तक चलता है हमारा रामलीला? 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। जो ध्वनि प्रदूषण हुआ होता था, बहुत आवाज़ होती थी, बहुत शोर होता था, उससे क्या कुछ राहत मिली है? उससे राहत मिली है, काफ़ी गिरावट आई है उसमें जो है। शोर शराबा में लोग नमाज नहीं पढ़ पाते थे और तमाम तरह के लोगों को दिक्कत आती, कोई बीमार है तो उसमें जो है लोगों परेशानी है। इस तरह से जो है जो किया सुप्रीम कोर्ट आदेश जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी लोग पालन इसका कायदे से नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ये सही निर्णय है, प्रदूषण नहीं होना चाहिए। बुंदेलखंड वैसे भी सूखा ग्रस्त घोषित है, हमारे यहाँ तो वैसे भी पानी की बड़ी समस्या चल रही है, पूरा पाठा एरिया है और यहाँ ऐसा होना नहीं चाहिए। पीने के लिए शुद्ध पानी मिले और प्रशासन ने काफ़ी व्यवस्थाएँ यहाँ तक रखी हैं। सोनेपुर की तरफ मैं खुद गया था देखने, तालाब है वहाँ, गरीबा गाँव पड़ता है तो वहाँ पर बड़ी अच्छी व्यवस्था है विसर्जन की, उसमें विसर्जन कराया जाना चाहिए जिससे प्रदूषण भी ना आए, पानी भी मिले, जो थोड़ा पानी बरसात में इकट्ठा हुआ है हम लोग को साफ़ सुथरा स्वच्छ मिले। केमिकल होता है इसमें कलर में, ये तो अच्छा कदम है। आपने बताया कि गड्ढा खोदा गया है, तो क्या वो गड्ढे में नहीं रहती हैं मूर्तियाँ? वो गड्ढा नदी के बगल से पूरा एक अस्थायी रूप से, चूँकि वो कोई मानवीय गड्ढा नहीं है, वो पूरा जो स्ट्रक्चर है नदी के किनारे पे वो आपको दूर से देखने लगेगा कि तालाब जैसा है, उसमें इतना पानी इकट्ठा नहीं हो पाता, मोटर लगा करके नदी का पानी भरते हैं और मूर्तियाँ इतनी नहीं आ पाती हैं कि वो उस पूरे गड्ढे में चली जाए। 100 चली जाएंगी, 200 चली जाएंगी, 1200 मूर्ति के लिए आप समझ इमेजन कर सकते हैं, 6 से 7 फुट की एक मूर्ति होती है 4 फुट की, उसको कितना गड्ढा बड़ा चाहिए। तो उस जब वो मूर्ति उसमें नहीं जा पाती हैं तो फिर ये सूर्यास्त के बाद जब तक प्रशासन खड़ा है या प्रशासन प्रिसाइज में हो गया तो आप नदी में डालना शुरू करते हैं। मूर्ति विसर्जन के लिए अभी तक ये होता था कि नदी में करते थे, क्या कुछ खास व्यवस्था अलग से की गई है? नहीं, नदी में नहीं करते थे पिछले कई सालों से। नदी के बगल में एक पार्ट है जिसको गहरा करके पोपलाइन मशीन से उसको गहरा कर दिया जाता था और उसमें पानी भर करके उसी में डाला जाता था, वो नदी में नहीं, वो पार्ट नदी से अलग है। चूँकि जल प्रदूषित होता है और चूँकि प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप लोग देखती हैं माता का रूप दिया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस जब नदी में नदी के पानी में घुलता है तो वो नदी के पानी को प्रदूषित करता है। तो अच्छे कार्य की सबको सराहना करनी चाहिए और ये कार्य सराहनीय कार्य था, सराहनीय कार्य किया गया जिससे केन नदी को प्रदूषित होने से बचाया जाए, इसलिए उसको अलग पार्ट में प्रदूषित माता की प्रतिमा जल प्रवाह किया जाता है। एक चीज और, इस बारी जो रोक लगाई गई ध्वनि मतलब ज्यादा गाजे डीजे के, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ये माननीय उच्च न्यायालय का मामला है, हम सब लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं उच्च न्यायालय का और उच्च न्यायालय जो भी आदेश देते हैं वो निश्चित रूप से बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत सोच समझ करके वो लोग निर्णय करते हैं, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।